हेलो एवरीवन, मैं सुरभि तिवारी। आज सुबह सुबह ही एक बुरी खबर मिली कि अब दिलीप साहब जो हैं हम लोगों के बीच नहीं रहे, और सुनकर बहुत दुख लगा, धक्का लगा, क्योंकि हमारे लिए दिलीप साहब एक सिर्फ लिविंग लेजेंड नहीं थे, वो हमारे लिए एक पूरा इंस्टीट्यूट था एक्टिंग का, पूरी फिल्म इंडस्ट्री का एक मात्र इंस्टीट्यूट था। और मुझे इसलिए ये बहुत अच्छी तरीके से याद है, रीज़न ये है कि 90s में जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, पेजर हुआ करते थे, और मैं बस स्कूल से बाहर ही निकली थी, आई वॉज इन स्टिल इन कॉलेज, एक टिपिकल टीनेजर, और मुझे एक दिन पेजर आया कि मैं सो एंड सो प्रोडक्शन हाउस से बोल रहा हूँ, और ये दिलीप कुमार साहब का प्रोडक्शन हाउस है, और सर आपसे मिलना चाहते हैं, हम लोग एक नया शो बना रहे हैं डीडी के लिए, एंड आप प्लीज़ आइए और हम लोग को मिलिए। एंड आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मेरे तो फैमिली में से कोई इंडस्ट्री में नहीं है, एंड समबडी हु इज़ नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री इज़ गेटिंग कॉल फ्रॉम सच अ लिविंग लेजेंड। मैंने कम से कम 3 बार वो मैसेज पढ़ा होगा, एंड आई रिमेंबर दैट डे, एंड आई टोल्ड माई मॉम, आई सेड लिसन, आई एम गोइंग एंड मीटिंग दिलीप साहब एट हिज हाउस, एट हिज बंगलो। और मैं जब उनके बंगलो गई तो एक बहुत बड़ा सा लंबा सा एक इट्स कॉल्ड गैंग वे, एक्चुअली उसको बोलना चाहिए, इतना लंबा है वो। और उसके बाद उनका बंगलो शुरू होता है, एंड बहुत बड़ा सा हॉल था, और वहाँ पर एक तरफ सोफे पे दिलीप साहब, सायरा मैम बैठी थी, मुझे मिलवाया, और मैं लिटरली कांप रही थी। और एंड देन ही सेड कि आओ बैठो बा, फिर दे स्टार्टेड टॉकिंग कि अभी क्या प्रोजेक्ट कर रही हो, क्या शो कर रही हो, कितने डेट्स हैं, हमारा शो हो रहा है, और वी वांट टू टेक यू एंड ऑल दैट। एंड फिर मैं थोड़ा सा पता नहीं अपने आप से ही ना, मैं ज़रा हिंदी बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल थी, और मैंने हिंदी में बात करना शुरू कर दिया, तो दिलीप साहब ने मुझसे पूछा कि कहाँ की हो तुम? तो मैंने कहा कि सर मैं तो पैदा और पली बड़ी बम्बई में। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी हिंदी बहुत साफ है, कहाँ की हो तुम? तो मैंने कहा सर मैं लालगंज रायबरेली से, मेरे पापा और मेरी मम्मी जो है वो उन्नाव से हैं, लेटर ऑन मम्मी की फैमिली जो है वो कानपुर सेटल हो गई थी, तो मम्मी का जो ननिहाल है इस कानपुर, और मम्मी के पापा इवेंचुअली कलकत्ता वेस्ट बंगाल खड़गपुर में सेटल हो गए थे, तो वैसे तो मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से ही हूँ, बट ओरिजिनली आई एम फ्रॉम यूपी। ही सेड हाँ, इसीलिए तुम्हारी हिंदी इतनी साफ है। और उनको बड़ा अच्छा लगा हिंदी में बात करना, बोले आजकल सब इंग्लिश में बात करते हैं, तुम एक हो जिसकी हिंदी इतनी साफ है। एंड देन वो मुझसे बात करते करते वो लखनऊ के डायलैक्ट बोलने लग गए, वो कानपुर का भी डायलैक्ट बोलने लग गए, आप समझ रहे हैं, अलग अलग डायलॉग उनको उनको पता है। सो आई वॉज सरप्राइज, आई सेड यह एग्जैक्टली मेरे जो मम्मी के जो मामा हैं वो लखनऊ रहते हैं, वो एग्जैक्टली ऐसे ही बात करते हैं इसी डायलैक्ट में, और जो मेरी मौसी और मेरे मामा जो कानपुर रहते हैं वो एग्जैक्टली ऐसे। तो आई वॉज सरप्राइज कि समबडी सिटिंग इन बॉम्बे फॉर सो मेनी ईयर्स एंड सो लॉन्ग नोज द डायलैक्ट ऑफ लखनऊ एंड कानपुर। एंड देन इज इट बैठो बैठो, और दिलीप साहब के घर आप जब भी जाते थे ना, वो आपको बिना खाए आपको आने नहीं देंगे, यू हैव टू ईट। उनको ना खाने खिलाने का बड़ा शौक, बड़ा शौक। सो ही सेड नहीं नहीं यू हैव टू ईट इट। तो अब मैं ना, मेरे से डर के मारे मेरा ऐसा हाथ कांप रहा था, मुझे कुछ खाया नहीं जा रहा था, आई वॉज सो यू नो दिलीप साहब इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आई, और मैं खा रही थी, तो उनको क्या लगा मैं शायद फिगर कॉन्शियस हूँ इसलिए मैं खा नहीं रही हूँ। तो इसे अरे तुम ठीक से खाओ, तुम क्यों नहीं खा रही हो, अच्छे से खाया पिया करो। एंड देन ही सेड कि तुम आजकल की लड़कियाँ ना फिगर पे ज़्यादा ध्यान रहता है, फिगर पे मत ध्यान दो, फिगर भी रहना होना चाहिए, लेकिन आप है ना एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी, सीन को समझो, गेट इनटू द स्किन ऑफ दिस सीन, गेट इनटू द स्किन ऑफ कैरेक्टर, उस पर ध्यान दो, एक्सप्रेशंस पे ध्यान दो, फिगर ठीक है खा लो अभी, खाया करो ठीक से, वॉक पे चली जाओ, लेकिन खाओ मतलब ही इज लाइक खा पी के काम करो ऐसे। एंड आई यूज टू वंडर। एंड उसके बाद में मेरे और 2-3 बार उनके बंगलों में मीटिंग हुई। एक बार उनके पीछे लॉन है, बहुत सुंदर आलिशान लॉन है, उनका घर बहुत बड़ा है, ह्यूज हाउस, आगे भी लॉन है, पीछे भी लॉन है, और उनके बहुत बड़े बड़े कमरे हैं उनके घर के। सो पीछे लॉन में हमारी मीटिंग हुई थी, तब भी अरे सुरभि आई हो तुम, आओ आओ बैठो बैठो चाय पियो, तो वो चाय या नाश्ता भी इट वॉज ह्यूज, मतलब बस खाओ खाओ, खेलो खिलाओ,
वॉज आर दिलीप साहब, यू नो। एंड कभी उन्होंने ये फील नहीं होने दिया कि हम लोग अभी आए हैं इंडस्ट्री में, बहुत ही नए नए हैं इंडस्ट्री में, कभी उन्होंने वो फील नहीं होने दिया हमें। बहुत अच्छे से रखा, बहुत प्यार से रखा, इतना नॉलेज मिला उनसे, इट वॉज लवली। एंड सायरा जी वॉज ऑल्सो सो स्वीट, शी इज ऑलवेज स्वीट, यू नो। अनफॉर्चुनेटली उनका वो प्रोजेक्ट आगे डिले हो गया और तब तक मैंने कुछ और काम ले लिया, बट आई रिमेंबर दैट 4-5 times आई मेट हिम इन हिज हाउस एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। और आज मैं सोचती हूँ काश वो शो हो जाता, मैं मुझे उनके साथ और टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता था, यू नो। और मैं बहुत सारी चीज़ें उनसे सीख लेती थी, बट उनका प्रोजेक्ट डिले हो गया और तब तक मैंने कुछ और ले लिया और मैं काम नहीं कर पाई। बट दोज मीटिंग्स उस शो के लिए, वो जो दो मीटिंग, हमारे 5 meeting हुई है, इट वॉज लवली लवली मीटिंग विथ हिम। एंड बस क्या बोले, मतलब ही वॉज 98, हम चाह रहे थे कि वो सेंचुरी मारे, बट शायद यही लिखा था, यही होना था। एंड अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट विथ अस। और क्या बोलूँ मैं, और क्या बोलूँ मैं, बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आई जस्ट प्रे टू गॉड। टिल देन यू गाइज टेक केयर, बाय। घर पे रहो, मास्क लगाओ, हाथ सैनिटाइज करो। टेक केयर, बाय।